समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल पहली बार भदोही जिले में रहे। इस दौरान उन्होंने ज्ञानपुर नगर स्थित शाहिद खान के आवास पर पत्रकारों से वार्ता की। सूबे में लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी पर प्रसन्न नजर आए, लेकिन भदोही में हार को वो पचा नहीं सके। गुटबंदी को लेकर पार्टीजनों को जमकर लताड़ा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने मतदान किया था। युवा रोजगार न मिलने से निराश हैं। महंगाई के कारण आम आदमी का जीना दुश्वार है। पूर्वांचल के सभी जनपदों में गठबंधन का हाल ठीक था, लेकिन भदोही में हार मिली। पार्टी में गुटबंदी की बात को दबे मन से स्वीकार करते हुए कहा कि इसे दूर किया जाएगा। चुनाव के दौरान भी विरोध खुलकर सामने आया था। उनके कार्यक्रम में गठबंधन के लोगों ने दूरी बनाए रखी। दावा किया कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता सपा की सरकार बनाने का काम करेगी। भाजपा से समाज का हर तबका परेशान है। इसके बाद पार्टी कार्यालय गए, जहां संख्या कम होने पर उनका माथा ठनका और कुछ ही देर में वे निकल गए। हमारा उद्देश्य समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उसका हाल चाल लेने के लिए, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उस लोकसभा के चुनाव को लेकर के हम लोग अपनी अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत रहेगा। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और डॉक्टर लोहिया जी की विचारधारा इस देश में जारी तो प्रसारित होगी, क्योंकि ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान का देश है और भारतीय संविधान के द्वारा इस देश में रहने वाले सभी धर्म मजहब के लोगों सम्मान नहीं थे। तो जिस प्रकार से मुख्य रूप से इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के साथियों ने कड़ी मेहनत करके समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नंबर एक की पार्टी बनाया और पूरे देश में तीसरे नंबर का स्थान दिलवाया है, तो उन सारे मुद्दों को लेकर के मैं भदोही जनपद में भदोही के समाजवादी साथियों को धन्यवाद देने के लिए आया और हमें उम्मीद है और भरोसा है कि जिस तरीके से समाजवाद का नारा डॉक्टर लोहिया की विचारधारा, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को अपना करके समाजवादी पार्टी के बहुत ही अच्छे नायक धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने जो देश और प्रदेश की राजनीति में सबके हिस्सेदारी सबके सम्मान ये कार्य किया है और उसी को अपना आधार मान करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कार्य कर रहे हैं। हम लोग उनके सिपाही हैं और उनकी नीतियां कार्यक्रमों को उनके किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाला 2027 इस देश के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का हो और समाजवाद का हो। उन विधानसभाओं को लेकर के हम लोगों की समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, उप चुनाव इन हमारी तैयारी चालू है और जिस दिन उनकी घोषणा हो जाएगी हमारे कैंडिडेट्स भी फाइनल हो जाएंगे और इस चुनाव में मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ 100% सीटें समाजवादी पार्टी की। क्या सभी सीटों का फिलहाल मामला राष्ट्रीय नेतृत्व जी के पास है, वो सभी सीटों पर लड़ेंगे या इंडिया अलायंस के तहत लड़ेंगे उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। भदोही की सीट सपा की हार का कारण समाजवादी पार्टी की सीट है और समाजवादी पार्टी की आज भी सीट है, क्योंकि टीएमसी के कैंडिडेट थे और वो चुनाव चिन्ह जो है हम लोगों के लिए बहुत गड़बड़ कर गया है और यही चुनाव चिन्ह यदि साइकिल का रहा होता ना तो निश्चित रूप से यहाँ ललित त्रिपाठी जी कम से कम 50,000 से अधिक वोटों से जीत करके इसकी पार्लियामेंट में जाते हैं। चुनाव चिन्ह आप भी मानते हैं चुनाव चिन्ह से ही हार हुई है? हाँ, चुनाव चिन्ह से ही हार हुई, लेकिन गठबंधन के साथ करते हैं सपा को लोग भीतर गाड़ते हैं। सपा के वोटों का आप आकलन कर लीजिए, जहाँ सपा की वोटे हैं 100% नहीं 101% को जो है बढ़ चढ़ करके लोग भाग दे करके अपनी वोटों को जिताने का काम हो गया। भदोही में हम नजर से देखते हैं लोकसभा भदोही 5 की 5 सीटें
समाजवाद की लहर चलेगी और पांच पांच सीटें जीत करके हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे नेता ने आदरणीय अखिलेश यादव ने जो संदेश दिया है जनमानस को और जो उन्होंने समझा इनका 400 को पार का फंडा जो था संविधान बदलने का था और इसका संघर्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया और लोगों को बताने का कार्य किया। इस देश से जब भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा, समाजवाद खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो ना तो पंचायत का चुनाव होगा, ना तो एमएलए एमपी का चुनाव होगा। तो जो राजशाही व्यवस्था इनकी थी, राजतंत्री व्यवस्था थी, जब राजा रानी के ही पेट से पैदा होगा, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समाप्त किया है, तो उसको जिंदा करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बधाई देता हूँ और बधाई देता हूँ इस देश के तमाम मतदाताओं को, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को। उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष करके अपने बाबा साहब के मंसूबों में पानी नहीं फिरने दिया, लोहिया जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया और नेताजी ने जो कार्य किया है जनहित में, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए जो सम्मान दिया है, उसको हमारे लोगों ने जन जन तक पहुँचाया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बात मान करके इतना जबरदस्त वोट दिया है। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें लाई, 7 सीटों पर मनमानी भी किया गया। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इनकी जो गुंडागर्दी चली है वोटों के बारे में, सभी सीटें लगभग 4-5 बजे तक जो है घोषित हो गए, लेकिन हमारी 7 सीटें ऐसी रही है कि इनकी घोषणा हार या जीत का 9 बजे रात, 10 बजे, 11 बजे रात तक किया जा रहा है। जो सीट हमारी 30,000 से आ रही, जैसे बलिया में सनातन पांडे जी की रही, उसको हरवाया जा रहा था, सलीमपुर में इतनी अच्छी अच्छी सीटें, कई जगहों पर मतगणना भी नहीं कराई गई ईवीएम मशीनों की, जैसे अलीगढ़ है, मेरठ है, फरुखाबाद को जबरदस्ती ऐसे ठेल पेल करके लोगों ने हरवा दिया, फूलपुर में हरवा दिया। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, अब वो मुहिम आगे नहीं चल पाएगी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जम करके जो है वोटिंग के दिन संघर्ष किया है और लड़े भी हैं, लेकिन अब शासन तंत्र के सामने नहीं चल पाई कुछ सीटों पर, नहीं लोग बचा पाए, लेकिन आने वाला दिन जो 2027 का होगा या उपचुनाव का होगा, जब तक जीत की सर्टिफिकेट हमारे कार्यकर्ता लोग लेकर के नहीं आएंगे, तब तक वहीं पर डटे रहेंगे, चाहे उनका जान प्राण सब कुछ चला जाए, लेकिन भारतीय संविधान को बचाएंगे, समाजवाद को बचाएंगे। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।